वहीं बात करते हैं एक खबर जिसने एक बार फिर से पुलिस के चेहरे को शर्मसार करने का जो है मामला सामने आया है। किस तरीके से एक सीआई पर 5 वर्ष तक रेप करने के आरोप लगे और उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई जो है यहां पर की गई। आपको बता दें कि मामला जो है पालिका है सीआई द्वारा युवती के देह शोषण मामले में सीआई रामलाल मीणा ने 5 साल तक उनका देह शोषण किया। युवती के खिलाफ ही SC ST का केस इसके बाद दर्ज कर दिया गया। नैनवा थाना पुलिस युवती को जबरन घर से उठाकर ले गई। आपको बता दें कि बिना दुपट्टे के ही जो पुलिस है वो युवती को उठाकर ले जाती है। युवती गिड़गिड़ाती रहती है। कोतवाली थाना पुलिस के सामने नैनवा पुलिस युवती को उठाकर ले गई और जब जी मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया है उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में सामने आया। पालिका ही पूरा मामला जिसमें गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। क्या इसी तरीके से एक युवती को जबरदस्ती पुलिस घर से उठा सकती है? क्या इस तरीके से युवती को ले जाया जा सकता है? सुभाष रोहिशवाल जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता। सुभाष, सवाल यह है कि इसका बैकग्राउंड क्या है पूरे मामले का, जो आरोप लग रहे हैं सीआई पर? देखिए सुमित, तो ये मामला बड़ा संगीन है। तो सबसे पहले जी मीडिया ने उठाया था। 5 साल तक सीआई रामलाल मीणा ने इस युवती देह शोषण किया शादी का रास्ता देते हुए और अंत में जाकर के शादी करने से मुख था क्योंकि पहले से वो शादीशुदा था। इस बात को लेकर के लड़की ने पाली के अंदर मुकदमा दर्ज कराया जिससे बलात्कार को लेकर के सीए के ऊपर मामला चल रहा है। और जब पेज फंसता हुआ दिखाई दिया कि कानूनी पेज में फंसता जा रहा हूँ, तो उसने अपनी पहली पत्नी के थ्रू एक SC ST का मुकदमा इस युवती के खिलाफ करा दिया। देखने वाली बात यह थी कि जिस तरीके से नैनवा पुलिस घर में घुसी और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके आई, कई प्रश्न खड़े करता है कि आखिर पुलिस का चेहरा जो समाज के सामने होना चाहिए वो दिखाने का कुछ और है और अंदर कुछ और है। सुमित, चलिए बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। सुभाष रोहिशवाल जी मीडिया संवाददाता यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी देते हुए, सीआई द्वारा युवती के देह शोषण मामले में सीआई रामलाल मीणा ने 5 साल तक देह शोषण किया, इस मामले को जी मीडिया ने उठाया था और इस पूरे मामले में युवती के खिलाफ ही कार्रवाई जो है वो SC ST केस में कर दी गई। नैनवा थाना पुलिस जो है युवती को जबरन उठाकर ले गई।